बेकिंग पाउडर था टी स्पून इकट्ठे करते हैं फिर वो अच्छे से बच्चे जो इशू नहीं है ना वैसे ही हो रहे वैसे कोको पाउडर चला जाए तो जी टी स्पून ना आपने इसमें डाल देना कोको पाउडर ज़्यादा है तो फिर वनीला एसेंस की इतनी ज़रूरत नहीं रहती लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा डाल देते हैं हमने टी केक बनाया सेम वही रेसिपी है सिर्फ जो मैदा है ना उसमें 300 ग्राम था ना हमने 50 ग्राम मैदा निकाला तो 50 ग्राम ही कोको पाउडर ऐड कर दिया अगर हाँ ये फर्क है और ये हमारी चॉकलेट तैयार हो जाएगा टी केक और कप केक जैसे दो चुटकियाँ कितने ग्राम्स में इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि परफेक्ट रिजल्ट हमेशा ग्राम्स में आता है उससे भी बहुत अच्छा बनता है लेकिन ग्राम्स में ये होता है ना कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा कप्स और मेजरिंग स्पून हमारे पास हमेशा वो नहीं होते हर बार यूज कर रहे हैं दो और आधा टेबल स्पून ना दूध हम एंड में डालेंगे इसमें ढाई चम्मच जो है आपने डाले हाँ ढाई चम्मच दूध बस इसको मिक्स करेंगे मोल्ड हमारा तैयार है मोल्ड में डालेंगे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं जैसे ये डायरेक्ट है ना आप चॉकलेट में डालना चाह रहे खाली ये शुगर इसको कहते हैं शुगर डस्ट ये शुगर डस्ट कर रहे हैं इसी तरह आप ना कोको पाउडर डस्ट कर सकते हैं तो देखिए ये गर्मी की वजह से ना ये मेल्ट हो रही है